माननीय मंत्री जी, मैंने अभी नो बाद में, माननीय आप बैठिए, मुझे व्यवस्था दे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आप भी विपक्ष के नेता, आपके उसे नेता ने बोल लिया, विपक्ष के नेता संसदीय मंत्री जी और एकाध सदस्य ने जो अपना विषय रखा, यह सदन बहुत ही पवित्र सदन है। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहां पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने सदन की रखी है। लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत, आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र है, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूँ बड़ा शेमफुल है, मैंने पीड़ा से कह रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि इधर के बोलते हैं, दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं। मैंने दोनों को बराबरी टोका, यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है, फिर भी आप यहाँ पे सदन में आए। और कल मैंने केवल एक बात बिल्कुल कही, इस समय जो आज आपके जो आपत्ति थी जिसपे, मैंने कहा कल इस पर हम आपके साथ बैठ करके, कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो, मुझे पद का मोह नहीं है। ये बात स्पष्ट सुन लो, जब तक यहाँ पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं, ये सदन की कार्रवाई चले, आज महत्वपूर्ण डिमांड है। इसे जीरो अवर के बाद आप और संसदीय मंत्री और सचेतक तीनों आ जाइए कमरे में, कल की मैं सारी जो स्क्रिप्ट है मंगवाएंगे। कोई भी असंसदीय या अवैधानिक या ऐसी कोई बात होगी, उसे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई में विचार करेंगे। धन्यवाद। अब आगे कार्रवाई शुरू करें। आपने जो कहा आपका हक है, आप हमें जो कह सकते हैं। रही बात यहां कार्रवाई की, इतनी सी बात थी, हमने कहा हम हमारा पक्ष रखते हैं, जो गलत आप उसको मना कर दी। और जो अखबारों में जो छपा है, यही बात हम रात को कह रहे थे, उसी समय एक्सपेंज हो जाए तो अखबारों में नहीं छपे। क्या इसके मतलब आप धृतराष्ट्र कहोगे? हम अगले दिन क्या विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र कहेगा? बताइए, कोई भी सदन का सदस्य कह दे, बाहर का कोई कह दे, क्या इसके बाद कोई भी यदि विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए। तमाशा हो गया अध्यक्ष जी, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपके उस समय मैं मुख्यमंत्री साथ में, आपके मंत्री जी तक सारे सदस्य चले जाते हैं, क्या गरिमा थी? उसके पहले एक महिला सदस्य चली जाती है, उसके बाद सदस्य आते हैं, यानी ये सदन की उस दिन आप सब लोगों के सहयोग से सदन की गरिमा तार तार नहीं हुई। आज तक किसी सदस्य के पास, मंत्री जी के पास चले जाए और बाद में व्यक्तिगत तो कहते हैं, लेकिन सदन की गरिमा तो भंग हो गई। क्या उसके लिए आपने डांटा? कौन गए? कई पक्ष नेता तो नहीं गए? पक्ष लोग गए, विपक्ष गए, तो यह विपक्ष नेताओं पे आपका नियंत्रण आप पूरा रखिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और विपक्ष नेता आप लोगों ने चुना है, इस पे विश्वास रखिए और उनके जो कहते हैं, मैं इनकी बात आपके जब स्थगन होते हैं तो भी आपको याद करता हूं, जिसका ये कहते हैं राय से करते हैं। इतना सम्मान देने के बाद भी, उसके बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूं, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए, मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, इन आरोपों की निंदा करता हूं। आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी वंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है
कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, या प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बड़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा पता। आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आज भी लाइए, तो लाइए, हिम्मत है तो लाइए, सुननी पड़ेगी। आसन के ऊपर इससे पहले कभी ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। हम भी विपक्ष में रहे थे, आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। कैसा व्यवहार हुआ था, हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, हमारी सीट पे हम बैठे थे, हमारे साथ मानी जी आपको आसन को प्रतिक्रिया करते हुए हम बैठे थे 5 साल विपक्ष के अंदर। हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसे व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसे भी हम जानते। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे, हम भी रहे थे, हम भी रहे थे।